इस बदलते मौसम में ये आपके दो तरह की चाय आपको बहुत ही फायदे करेंगी, सर्दी खांसी से दूर रखेगी, इम्यूनिटी को अच्छी रखेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लट्टू कुक में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए जो एक रेसिपी लेके आई हूँ वो है चाय की रेसिपी। तो इंडिया में हर एक ऐसा घर है जहाँ पे चाय हर किसी को बहुत पसंद आती है। अभी का जो वेदर चेंज हो रहा है इससे क्या होता है, घर में हमारा सर्दी खांसी की समस्या देखने को मिलती है। तो आज मैं जो आपको चाय की रेसिपी बता रही हूँ इससे आपके घर में ये समस्या दूर होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसी तरह मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सस्पेन में एक यहाँ पे एक कप पानी चढ़ाएंगे। आप जितना कप बना चाहे, अगर एक कप बनाते हैं तो एक कप पानी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेगा क्योंकि ये खोलने के बाद थोड़ा कम हो जाएंगे। इसके बाद मैं इसमें जो लगा रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे तुलसी पत्ता ले लिया है, अदरक का एक इंच लिया है, इसके बाद लौंग ले लिया है, दालचीनी, इलायची और यहाँ पे गोल मिर्च। तो इसको हमें थोड़ा सा कूटना है, तो सबको हम एक साथ कूटेंगे। तो मैंने गोल मिर्च, अदरक, इलायची सबको एक साथ डाल दूँगी यहाँ पे, और दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पे लेंगे और इसको हमें कूट लेना है। तो इसे मैं कूट लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमने कूट लिया है और इसके बाद यहाँ पे पानी भी हमारा उबल चुका है। पानी जब उबल जाए तो हम यहाँ पे पहले आधा चम्मच आपको यहाँ पे चाय पत्ती पाउडर देना है। आप जो भी चाय पत्ती देते हैं आप पहले ये चेक कर लीजिएगा आपका जो चाय पत्ती है वो क्या कड़क अगर हो तो थोड़ा कम दीजिएगा, अगर ज़्यादा कड़क ना हो तो आप आधा चम्मच दे सकते हैं। इसके बाद जो कुटी हुई अदरक इलायची वगैरह था ना उसको ऐड कर देंगे और अच्छे से खोलने देंगे। इसको बहुत ही अच्छे से खोलने दीजिएगा। इसके बाद तुलसी का पत्ता मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, अगर आप चाहते हो तो इसको भी थोड़ा कूट ले। इसके बाद इसे अच्छे से हमें इसी तरह से उबलने देना है ताकि ये थोड़ा कम हो जाए जल के। तो इसे उबाल आने देते हैं। चम्मच से बीच बीच में मैं इसको चला दे रही हूँ ताकि अच्छे से मिल जाए। ये ऑप्शनल है, आप मिला भी सकते हो। अब मैं यहाँ पे देखिए पहले से जो चाय था हमारा वो कम हो चुका है। अब मैं इसमें दो चम्मच चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ऐड करें। अगर आप चीनी स्किप करना चाहते हैं, चीनी की जगह आप गुड़ ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसके बाद चीनी डालने के बाद इसको मैं और थोड़े 2 से 3 मिनट उबाल आने दूँगी। तो ये देखिए हमारा चाय बनके तैयार है। मैं इसको छान लेती हूँ। ये चाय आप इस मौसम में अगर आप पीते हो रोज़ाना भी पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर में किसी को सर्दी खांसी है तो नींबू स्किप कीजिएगा। अगर सर्दी खांसी नहीं है, ऐसे ही आप रोज़ाना पीना चाहते हो तो नींबू के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही यमी सा लगेगा और इससे आपके शरीर में गर्मी भी रहेगी जिससे आपको सर्दी खांसी नहीं रहेगी और इस मौसम में बहुत ही उपयोगी है। दूसरा जो चाय है हमारा दूध चाय, इसके लिए मैंने यहाँ पे तुलसी का पत्ता लिया है, थोड़ा सा अदरक, यहाँ पे 2 इलायची और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 कप दूध डालूंगी और 1 कप पानी, 1 कप भर के पानी ऐड कर दिया। मैं 1 कप चाय बना रही हूँ, इतना ही क्वांटिटी डालेंगे। अगर आप 2 कप बनाते हो तो थोड़ी सी पानी की मात्रा बढ़ा दें। तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। हल्का सा गर्म हो जाने के बाद हम इसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे 1 चम्मच। इसके बाद जो हमने अदरक इलायची दालचीनी रखा था इसको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। एक साथ मैं इसको कूट लेती हूँ। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, 1 कप में इतना ही काफ़ी है। 2 इलायची डालेंगे और ये जो इसको हम कूट लेते हैं। इसके बाद इसी में मैं 2 तुलसी पत्ता ऐड करूँगी और इसको भी कूट लेती हूँ। ये जो है इसे आप रोज़ाना इसको चाय में आप पी सकते हो और इंडिया में हर एक ऐसा घर है जिसके घर में चाय ज़रूर बनता है और ये चाय आपको बहुत ही फायदे करेंगी। तो देखिए अच्छे से उबाल आ चुकी है चाय पत्ती के साथ। अब मैं इसको कूटने के बाद इसको भी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा आपका जो दूध और चाय पत्ती है वो अच्छे से उबाल आने के बाद ही आप अदरक ऐड कीजिएगा। कभी कभी दूध होता है हमारे 1 दिन पहले का अगर दूध होता है उसमें हम आप अदरक अगर शुरुआत में ही डाल देते हैं ना तो दूध फट जाते हैं, इसलिए आप मिडिल में इसको ऐड करें। इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको फिर से उबाल आने देंगे। आपको ये दूध चाय जो है आपको लगभग 5 मिनट के अंदर आपका ये चाय बन जाएगा, बहुत ही कम टाइम में बन जाएंगे, 2 से 3 मिनट में। 1 कप तो 2 से 3 मिनट में बन जाएंगे। तो देखिए चाय बन चुके हैं, इसको मैं छान लेती हूँ।
तो देख सकते हैं इसका कलर और ये पीने में भी बहुत ही अमी लगता है। तो इसी तरह से और भी अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए, वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें, बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और इसी तरह से मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।